हेलो एवरीवन, शिक्षा विधि में सबका स्वागत है। बच्चे, जैसे आप सब जानते हैं कि अभी सीजीएल 2020 प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है, जो 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में, सब स्टूडेंट्स के माइंड में एक बड़ा डर चल रहा है सीजीएल 19 के रिजल्ट को देख के, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में तो एसएससी ने बड़ा ब्लंडर मचा दिया है ना। जहाँ कभी 615 620 टॉपर्स का स्कोर होता था, आज वो एवरेज स्कोर बन गया है। बच्चे 624 625 नंबर लाके 700 में से 90% मार्क्स लाके वो सेफ फील नहीं कर रहे। और ऊपर से जैसे कुछ शिफ्ट अनबैलेंस हुई, तो कई शिफ्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का स्कोर माइनस में गया है। -483 मायने रखता है, नेगेटिव में इतना कर दिया, मतलब उनकी प्रीलिम्स के मार्क्स भी खत्म हो गए मेंस के साथ। तो बहुत बच्चों के माइंड में ये चल रहा है, तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो, ये जो क्लिंच होता है, कभी कभार हो जाता है रिजल्ट में ऐसा। कभी 17 मेंस में भी एक बार ऐसा हुआ था, तब नॉर्मलाइजेशन नहीं थी, पर कुछ गड़बड़ी हुई थी उस टाइम भी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा होगा। पहली चीज, एसएससी प्रोबेबली अपनी एक गलती से जरूर सीख लेगी और अगली बार वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगी। फिर भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एक चीज़ आप माइंड में रखें, जेन्युइन एडवाइस है आपको। नॉर्मलाइजेशन जब होती है तो एक एवरेज स्कोर सेट होता है हमेशा। उस एवरेज स्कोर या आप उससे ऊपर रहते हैं आप शिफ्ट की अपनी, तो आप हमेशा गेन ही करते हैं नॉर्मलाइजेशन में, अदरवाइज आप लूज करते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना, ये उठाना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी होगी तो आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। अब बात उठती है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक सिंपल बात है, आप अगर छोड़ देते हैं तो भी जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की है वो कंपटीशन करना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, आप अगर स्टेप बैक कर भी लेते हैं तब भी वो 10-15 हज़ार बच्चे इंडिया लेवल पर जो हमेशा आते ही आते हैं इस रैंक में, वो अपनी तैयारी नहीं छोड़ेंगे। बिकॉज दे नो एट एनी कॉस्ट दे हैव टू डू। ठीक है ना, कंडीशन ख़राब है, वैकेंसीज कम है, प्रोसीजर अच्छा नहीं है, इन सब के बावजूद भी जॉब तो लग रही है। ट्रू फैक्ट है, ठीक है ना। मैं सीधा सीधा फैक्ट के ऊपर ही बात करता हूँ, मुझे फालतू बात करने में कोई यकीन नहीं रखता मैं किसी टाइप का भी। एक हाइप क्रिएट करूँ, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम ट्विटर कैंपेन कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे, किसी भी तरीके से सक्सेस नहीं मिलेगी। 17 मेंस में जब कुछ गड़बड़ हुई थी तो बच्चों ने इतना मास स्केल पर प्रदर्शन किया था, फिर भी 2 साल बाद टाइम बर्बाद करके सारी चीज़ें डिले हो गई, पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, सेम चीज़ें होंगी, वो हमारे कुछ नहीं सुनने वाले। बेटर है कि जो आगे आने वाला है हम उस पर ध्यान दें और तैयारी अच्छे से करें, प्रिपरेशन अच्छे से करें। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर हमारी ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वो होगी तो हो सकता है, और हो सकता है कि इस टफ कॉम्पिटिशन से हम मैच कर पाएँ। या तो स्टेप बैक कर लेते हैं, स्टेप बैक करने से सिर्फ हमारा अपना नुकसान है, किसी और का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सीजीएल 2020 लास्ट सीजीएल है जो एसएससी कंडक्ट करवाने वाली है। इसके बाद सीईटी के अंदर सारी भर्तियां चली जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है चीज़ों में। तो अभी जो अटैम्प्ट है, 1 महीने बाद बहुत सीरियस होकर आप उसे दें। ठीक है, और जो सिर्फ, अब बात करूँगा सिर्फ मेरे स्टूडेंट से जो मेरी वीडियोस देखते हैं, सिर्फ उनसे बात करूँगा। अगर ये कोई अननोन देख रहा है तो उसको मेरी इतनी एडवाइस है कि एक बार और 1 महीने के लिए बाकी बातों पर ध्यान ना देके, किसी इधर उधर की कट ऑफ पर ध्यान ना देके, सीरियस होकर तैयारी पर ही ध्यान दिया जाए। सक्सेस आपको मिल जाएगी अगर आप पूरे एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे तो, डेफिनेटली। अब मेरे स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ बेटा, जो वीडियोज़ देखते हैं, जिनको मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लगता है, अब उनसे बात कर रहा हूँ कि वो क्या करें। हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है मैंने यूट्यूब के ऊपर ही। इसमें पूरे महीने तक, जब तक सीजीएल होता है, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अभी मैंने मिक्सचर का टॉपिक करवाया, उसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक करवाया, उसके अंदर डिविजिबिलिटी और ज्योमेट्री की पूरी ढाई ढाई घंटे की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अब जो आपको करना है, एल्जेब्रा एडवांस मैथ में स्टार्ट कर रहा हूँ क्रैश कोर्स में। कल से आपके एडवांस मैथ की वीडियो जाएंगी। ठीक है, एल्जेब्रा से स्टार्टिंग होगी, प्लस आपको क्रैश कोर्स में जो नीड है आप बता सकते हैं कि वो पार्टिकुलर टॉपिक करवाइए। क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस मत समझ के चलना, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ें होंगी बस वही मैं करवाऊंगा, और उतना काफ़ी रहेगा आपको अच्छा स्कोर करने मैथमेटिक्स के। बीच बीच में टाइम लगा तो जीके की कुछ ही चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट, टिल देन आप ये चीज़ों को देखते रहिए और एन्जॉय करते रहिए और टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, जो होना है सो तो होके रहना है। एक काम का दिमाग के ऊपर प्रेशर लेके बैठने से आप सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस खराब कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो परफॉर्मेंस अच्छी रखने के लिए बाकी बातों को अवॉइड करके 1 महीने सिर्फ तैयारी पे ध्यान देना होगा। देन एंड ओनली देन आप सक्सेस के लायक बनेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।